हेलो गाइस, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से बथुए का पराठा बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आलू की स्टफिंग भर रही हूँ। और ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस, चलिए अब हम बथुए का पराठा बनाना शुरू करते हैं। बथुआ का पराठा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बथुआ ले लिया है, जिसे मैंने साफ कर लिया है। इसकी डंडियाँ हटा दी हैं, जड़ें जो होती हैं वो हटा दी हैं। अब इसे हम धुल के उबाल लेंगे। तो गाइस, बथुआ उबल चुका है, बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसे हम ठंडा करके इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो गाइस, मैंने बथुए को ठंडा करके उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए, इतना थिक रखा है, ज़्यादा पतला भी नहीं किया है और ना ज़्यादा मोटा रखा है। अब इसे हम गेहूं के आटे में डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। 2 कटोरी हमने गेहूं का आटा चाल लिया है। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे, समथिंग 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे, जिसे हम क्रश कर लेंगे और इस तरीके से हम डाल देंगे। 2 टीस्पून हम हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और नमक हम थोड़ा स्वाद के अनुसार डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि जो हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे उसमें भी नमक हम डालेंगे। तो इसमें हम सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें हम बथुआ डाल देंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तभी पानी डालें, नहीं तो आप इसी तरीके से बथुए से ही नॉर्मल डो तैयार कर सकती हैं। अच्छे से मिला के इसका डो हम तैयार कर लेंगे। देखिए, पानी की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने 2 कटोरी आटा लिया था गेहूं का और 500 ग्राम हमारा बथुआ है, उतने से ही हमने डो तैयार कर लिया है। इसे अच्छे से हम गूंथ लेंगे। तो गाइस, बथुए का डो बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं ऑयल का यूज़ करना है, सिर्फ जितना लग जाए ऊपर ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। और इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और इसमें भी हम 2 टीस्पून हींग डालेंगे, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और सर्दियों में हींग खानी भी ज़रूरी रहती है। 1 बड़ा प्याज काट देंगे, जिसे भी मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया है, क्योंकि प्याज का भी फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया तो आप कितना भी डाल सकती हैं, जितनी आपकी इच्छा है उतना हरा धनिया डाल सकती हैं। नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि पराठे में नमक आटे में भी पड़ा हुआ है और अब स्टफिंग में भी हम डाल रहे हैं। तो गाइस, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठे का, और बथुए का पराठा तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसमें 1 टीस्पून हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, स्टफिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटा भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया पराठे के लिए बथुए का, और स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम पहले तो बॉल लेंगे। थोड़ा सा आटा लेके इसके इस तरीके से बॉल बनाएंगे। क्योंकि सर्दियों में बथुए के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक तो ताज़ा ताज़ा बथुआ मिल गया था, तो और भी अच्छे लगेंगे बथुए के पराठे।
अब इसे इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, हाथों से प्रेस करेंगे, उसके बाद इसे कटोरी की तरह शेप देंगे जिससे हम स्टफिंग अच्छे से भर सकें इसके अंदर, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा स्टफिंग वाले पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। दो चम्मच भर के हमने स्टफिंग इसमें भरी है, फिर इसे हम हाथों की सहायता से इस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से करके इसे हम सील पैक करेंगे और एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा अगर निकालेंगे नहीं तो यहीं पे पराठे की जगह आटा आटा आ जाएगा तो खाने में नहीं टेस्ट आएगा, इसलिए हम एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। फिर सूखा आटा लगा के इसे हाथों की सहायता से प्रेस करेंगे, फिर सूखा आटा लगा देंगे इसमें और इसे हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। थोड़ा सा हाथों की सहायता से बढ़ाएंगे, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बथुए का पराठा बन रहा है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। फिर हल्का हम सूखा आटा डालेंगे, फिर इसे हम बेल देंगे। तो गाइस बथुए का पराठा हमारा बेल के बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसे हम तवे पे सेकेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया है, इस पे हम बथुए का पराठा डालेंगे, जब एक साइड से पक जाएगा तब इसे हम पलट के इसमें देसी घी का यूज करेंगे। एक तरफ से पक गया है, पराठे को हम पलट देंगे। मीडियम आंच पे पराठा पकाना है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना है। अब इसमें हम घी लगा देंगे, मैंने देसी घी का यूज किया है, आप चाहें तो रिफाइंड और सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। इसमें अच्छे से हम घी लगाएंगे और फिर इसे हम पलट देंगे, दूसरी साइड भी हम देसी घी यूज कर देंगे। तो गाइस आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसे फिर से हम पलट देंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बना है पराठा हमारा। तो गाइस बथुए का पराठा पक के बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। बथुए के पराठे हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो गाइस बथुए के पराठे की मैंने प्लेटिंग कर दी है, देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही। ये देखिए आलू की स्टफिंग भरी हुई है, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो गाइस कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।